क्या ख्याल है? वो वाला SU-29 हाँ, और मैं कट्ठे ही इसको, क्या ख्याल है? कैरिंग थ्री है ना, मेरा पहले प्लान था वो ये था कि सेंटर में यहाँ रनवे आपका लैंडिंग स्ट्रिप जो स्टेज है, लेकिन असल में मसला तो कोई नहीं है, हमें हम इसमें बस सिंपल फ्लाइंग ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, अपने लिए डेंजरस ना हो और इनके लिए ना हो, ओवरिंग करना जो है अवेलेबल पब्लिसिटी है ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, मेमेंट आपने करनी है तो हमारी फील्ड ही, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ठीक है, वहाँ सबसे बेहतरीन है, कोई बंदा नहीं आता, कोई आ रहे हैं आप ऐसे क्या हुआ? चलो वो राय से कहीं एक डिसाइड करने को फायदा नहीं, 6 बज गए ना और 6:20 पे आपका अंधेरा होना, 20 मिनट में क्या करेंगे? किधर पहुंच गए चौक पर? आज हो यार, फिर आप एरोप्लेन करते हैं फोन कर, दुआ करना यार, रोका फोन बैठे तब ना, हूं क्या करना बंदा अचानक नया बॉर्डर लेके आया ना 2.5 लाख और पहली फ्लाइट में क्रैश हो जाए, उस तरह हालत हो जाती है। कोई लग गया तो यही कहना बस, सॉरी ये वाला और वो क्या कहते हैं, असल में ना बात सुनिए, बस इज स्लो एंड मैनूवरेबल, ये दैट इज गुड, चल हवा ना चल रही है ना, ये देखे ना हवा पे भी तो डिसीजन लेना ना, अगर हवा चल रही है तो फिर प्लाटी से उड़ाऊंगा, लेकिन अगर हवा चल पड़ी तो फिर इसमें कहाँ का पोजिशन, सुबह चल रही थी फिर तो इसमें हाथ ही नहीं, फिर प्लाटी दोनों रख लूंगा यहाँ पे, अगर जैसी होगा ना फिर वो सुबह इंशाल्लाह 8 भी हम सारे यहीं पे होंगे, 8 बजे ना यार, सारी बातें अपनी बैटरीज वगैरह चार्ज करके सारी मैनेज कर लेंगे, हट जाओ साइड पे हो जाओ, चलो चलो एक दफा और लैंड कर, बच्चे की शरीर ख्वाहिश चलो बेटा साइड पे, यहाँ पे तो कोई नहीं पे तो कोई नहीं, अभी इस टाइम पे ना अच्छी आनी है, इसके बाद हो जाना 10 मिनट के बाद बारी बैठा आ जाओ, तुम्हारी पिक्चर।